नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ देवास में कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने आकर रुकवा दिया। अभी एसडीएम महोदय आए पुलिस बल के साथ में और हम लोगों को ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था उसे रोक दिया, बाधित कर दिया और कहा कि ये कोई भी कार्यक्रम नहीं करोगे आप, जनता की भलाई का कोई काम नहीं करोगे। जनता मरती है तो मरने दे, हम जनता को ठेका नहीं ले रखा है, जनता मर रही है मरने दो कर्जे से। तो साथियों, आप देख रहे हो कि प्रशासन कितना निरंकुश हो चुका है, आम जनता जो है कर्जे से मर रही है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हजारों की तादाद में जनता आई थी, लेकिन उनको प्रमाण पत्र वितरण करने नहीं दिया गया। ठीक है अजय जी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुबह 10 बजे कर्ज मुक्त भारत अभियान देवास में प्रमाण पत्र का वितरण था और हमने विगत सुबह से लेकर अभी तक लगभग 200 प्रमाण पत्र बांटे हैं। और इस बीच में व्यवधान हुआ कि हमने परमिशन ली थी विधिवत रूप से एसडीएम साहब से, लेकिन बीच में एसडीएम साहब और पूरा पुलिस महकमा आ गया है और उन्होंने कार्यक्रम बंद करवा दिया है और हमारे जो सूचना तंत्र है या हमारे लैपटॉप है वो जब्त करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना है, क्या समस्या आ रही है इनको, इनको क्या लग रहा है? समस्या ये आ रही है कि भैया आप जनता की मदद क्यों कर रहे हो, आप जनता की मदद मत करो। अच्छा, अगर जनता मर रही है तो मरने दो, आप कौन होते करने वाले? तो मतलब जिनको साथ देना चाहिए आज वही जनता के हित में काम कर रहे हैं। जिनको जनता के साथ देना चाहिए, जनता का हित करना चाहिए, वो तो हितैषी नहीं बने हैं और प्रशासन और जो राजनीतिक दल है इन सबकी ये मिली भगत है और ये नहीं चाहते कि जनता का कर्जा माफ हो। जो जनता मर रही तो मरे, उन्हें तो चाहिए कि वे व्यक्ति कीड़े की तरह मरे। मतलब जनता को स्वयं आगे आना पड़ेगा अपनी लड़ाई के लिए। देखिए, बिल्कुल जनता को आगे आना पड़ेगा और जनता को, प्रशासन को, राजनीतिक दलों को, नेताओं को बताना पड़ेगा कि आज ये जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है कि आपने जो वोट दिया है वो किसको दिया है ये सोच समझ के देना चाहिए। तो ये जो अभियान चल रहा है इसमें आज व्यवधान पैदा हुआ है, इसके कारण लगभग 400-500 लोग आए हैं। सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और पूरे भोपाल संभाग से, इंदौर संभाग से आए हैं। जनता का वोट कैसा लेते हो? जनता के पीछे तो जीते हैं। मिट्टी हो जाओ, भैया कर्जा, बैंक का कर्जा, नल का कर्जा, बच्चों की फीस, इतना गरीबी से हम कहाँ से लाए? थोड़ा सा ये सहारा मिल गया था। आप काहे के लिए आए थे यहाँ पे? ये कर्जा मुक्त अभियान चल रहा था, मैं इसके लिए आया। अच्छा, तो आपको भरोसा है कि यहाँ से माफ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रशासन ये करने नहीं दे रहा, इसके लिए क्या करेंगे? आवाज उठाना था ना, अभी एसडीएम साहब आए थे पुलिस बल के साथ में तो आप लोगों ने कोई नहीं बोले। हम आप लोगों के लिए आए हैं, सुबह से भूखे प्यासे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमें अभी हमारा सामान जब्त तो कर लिया है, हमें काम नहीं करने दे रहा है, लेकिन जनता में से आप लोग कोई नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल दीदी, आपने सब हट गए थे, तो आप लोगों के लिए आए हम, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ही साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? सब जनता डर के भागेगी तो कुछ भी नहीं तुम्हारा होने वाला, ये तुमको लुक के दे। देखिए, इसमें क्या है कि जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी। अगर आप पे कोई समस्या, आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपको खोजना पड़ेगा। हमें समस्या पे नहीं, समाधान पे बात करना पड़ेगी और समाधान जब भी होगा जब हम एकजुट हो जाएंगे, एकजुट होकर कोई भी काम करेंगे। अगर एक व्यक्ति तुम्हारी, अगर तुम ऐसे करके मारोगे नहीं करके मारोगे ना तो बिल्कुल सही कहना है आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजेश जी, आप कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे, क्या रवैया रहा प्रशासन का आज? प्रशासन का रवैया किसी के प्रेशर में आकर प्रशासन ने ये काम रुकवाया। मतलब आपको मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, नेता ये चाहते हैं कि इस तरह का काम हो? बिल्कुल, राजनीतिक ये किसी के प्रेशर में आकर काम रुकवाया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम जनता का कर्जा माफ हो। 35 लाख करोड़ रूपए जब आम बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जे और बेचारा 1500 रूपए कमाने वाला आदमी भूखे मर रहा है, उसको दो वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा। अब आज हम अगर इस मुहिम को चला रहे हैं तो इसको चलाने नहीं दे रहे हैं। हमारी इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा है और ये चाहते हैं कि सबका कर्जा माफ होना चाहिए और 100% होना चाहिए। 29 लाख करोड़ रुपए जब माफ कर दिया है तो इनका 2-2, 5-5 लाख रुपए क्यों माफ नहीं हो रहा? क्योंकि आम जनता कर्जा है, ये आम जनता कर्जा है, बड़े उद्योगपतियों कर्जा नहीं है ना, इसलिए आम जनता। और वैसे भी हमारे पे कोई कर्जा नहीं है, हम तो सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पूरे भारत में अभियान चल रहा है और लगभग 20 से 24 राज्यों में अभियान चल रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर लोकसभा वाइज वहाँ पे जाके इस अभियान के थ्रू जनता की कर्जा माफी के लिए कार्य किया जा रहा है।
वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को हमारा डेलीगेशन लगभग 10 बार गया है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करिए कि भैया जनता का जो कर्जा है आप उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, क्या उन्होंने आपको वोट दिया है? क्या नॉर्मल आम जनता ने आपको वोट नहीं दिया है? अगर आम जनता ने भी वोट देके आपको सरकार बनाया है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जनता का कर्जा माफ करें। जी आप भी यहीं पे थे, क्या है, क्या समस्या रही, क्या कारण रहा? शासन प्रशासन और मोदी सरकार ये सब यही चाहते हैं कि आदमी अपने बच्चों को भी जहर दे, बीवी को भी जहर दे और खुद भी जहर खाए। ऐसे कितने केस हो गए जो इन्होंने अभी तक, इनको सूद नहीं है किसी व्यापारी की, जो बिल्कुल कर्ज में दबे हुए हैं। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो तो आम जनता का क्यों नहीं कर सकते? बस इन गरीबों की एक ही मांग है, उसी मांग को लेकर हमारे गुरु शाहनवाज चौधरी जी ने अभियान चलाया है कि भैया इनका भी, इनकी भी आवाज सुनो, इनके ये भी कर्जे के दलदल में जड़े। बड़े बड़े लोगों का कर्जा राइट ऑफ कर रहे हो तो इनके क्या दोष है? बस यही मांग है हमारी। तो ये शासन प्रशासन की जो निरंकुशता है उसके लिए क्या करेंगे? ये जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जय हिंद जय भारत। अभी पिछले कुछ टाइम में देखिए साथियों, आज किस तरह जनता हम लोगों के बीच में है और इन ये सभी निराश हैं शासन प्रशासन की निरंकुशता के चलते। और जो है जय हिंद।